नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टेबल जजमेंट आई है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1031 ऑफ 2015 है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का एक केस है। यहाँ पर अपीलेंट्स ने जो कन्विक्शन थी उनके, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था एक्विटल को और कन्विक्ट कर दिया था। अब यहाँ पर फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील थी वो फाइल की गई। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी अपीलेट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या जो भी अपीलेट कोर्ट हो, उसमें जो एविडेंसेस को अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर अप्रिशिएट करने के बाद एक और व्यू आ रहा है, मींस नीचे की कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने अगर बरी कर दिया है और अपीलेट कोर्ट एक और व्यू निकाल रही है अप्रिशिएट ऑफ एविडेंस में, तो ऐसे जो एक्विटल है उसको रेयरली जो है वो करना चाहिए, मींस उसे रिवर्स करना चाहिए। सिर्फ इस ग्राउंड पर रिवर्स नहीं कर देना चाहिए कि एक और व्यू है वो सामने आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे ही हुआ इस फैसले में। यहाँ पर बताया कि एक डिसीज्ड की एक डेथ हो गई थी और जो डेथ है वो एक इन्फॉर्मेंट ऑफ ब्रदर इन लॉ ने कंप्लेंट थी वो दाखिल की थी। प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 के तौर पे वो प्रस्तुत हुए थे और घटना बताई गई थी 10 बजे शाम को, रात के 10 बजे की घटना थी और FIR थी वो 1985 में लॉन्च कराई गई थी। एक पुलिस स्टेशन है वहाँ लॉन्च कराई थी, बिहार में एक जगह बताई है वहाँ थे, और जिसमें 7 लोगों को अक्यूज बनाया गया था और अक्यूज नंबर 6 और 7 को अलग से चार्ज भी किया गया था 342 और 506 के अंदर, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सातों अक्यूज को चार्जेस लगाए थे 323, 302, 364 का भी चार्ज लगाया था 449, 450 कॉमन इंटेंशन का जो कि 34 होता है, क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी का 120 भी होता है, और अक्यूज नंबर 6 और 7 को 342 और 506 के भी चार्जेस लगाए थे। और लेकिन जब ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया था, मींस मर्डर और 34 कॉमन इंटेंशन और अबडक्शन के चार्जेस पे उनको कन्विक्ट कर दिया था, लेकिन अक्यूज नंबर 6 और 7 को एक्विट कर दिया था। अब यहाँ पर जो अपीलेंट है वो अक्यूज नंबर 6 और 7, और अभी कन्विक्शन को चैलेंज किया गया था पटना हाई कोर्ट में, सारे कन्विक्ट ने चैलेंज किया था और स्टेट ने अपील भी फाइल की थी, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था और जो उनको बरी कर दिया गया था, लेकिन जो पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी 2015 में, 26 मार्च 2015 में, और जो 5 कन्विक्ट थे उनको जो है वो कन्विक्शन था वो मेंटेनेबल मीन्स सस्टेन रहा, मीन्स जो ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही कहा गया, और लेकिन एक्विटल जो हुआ था 6 और 7 को उनको बरी मीन्स उनको जो बरी कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने उनको 364 और 34 और 302 और 34 इंडियन पिनल कोड के अंदर गिल्टी पाया था, और इसी वजह से एक्यूज नंबर 6 और 7 को कन्विक्ट कर दिया था और कहा कि रिग्रस लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो अपना जीवन शेष जीवन है वो जेल में बिताए, तो रिग्रस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी थी। और अपील्स थी वो फाइल की गई पटना हाई कोर्ट के ऑर्डर को, यहाँ पर चैलेंज किया। अब यहाँ पर बताया केस क्या था, केस ये था कि जो डिसीज्ड हैं वो वाइफ थी और जो कि सन है एक प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 के, और इन्फॉर्मेंट जो उनके जो ब्रदर जो है वो जो ब्रदर है डिसीज्ड के जो ब्रदर इन लॉ थे वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 के तौर पर उपस्थित हुए थे, पेश मीन्स कोर्ट में मीन्स उन्होंने गवाही दी थी, और इन्फॉर्मेंट का केस था कि डिसीज जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, जो घर था बिलोंग करता था उनके जो फादर का, और जो कि सिमलताला में रहते थे एक जगह बताई है, और जो हाउस है जो पार्शली ऑक्यूपाइड किया था और उनके जो हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ ने, और जो रिमेनिंग पोर्शन था वो टेनेंट्स का था। अब ये घटना जो बताई गई है वो 30 अगस्त 1985 की बताई गई है, रात के 10 बजे की, जिसमें बताया कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 जो है वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे रिक्शा में, और एक 3 लोगों के नाम और बताए हैं, और जो
डिसीज्ड है वो उस समय घर में रह रही थी, और जो उनके हस्बैंड हैं वो अपने नेटिव प्लेस पे गए हुए थे। तो सात अक्यूज्ड आए जिसमें अपीलेंट्स भी थे और उत्तरी दिशा से आए, और 15 अननोन असेलेंट्स का नाम भी बताया गया, और जिसमें अक्यूज जो अपीलेंट हैं जिनको अक्यूज नंबर 6 बताया गया, उन्होंने इन्फॉर्मेंट को पकड़ लिया था, और जैसे उन्होंने शोर मचाया तो दो अननोन पर्संस भी आए, उन्होंने पिस्तल तान दी और डायरेक्शन दी कि वो अपनी चुप रहें, और अक्यूज पर्सन ने इन्फॉर्मेंट को पकड़ लिया और पहले फिस्ट और स्लैब से वार किया, और फिर उनको कुएं के पास नॉर्थ घर के जो नॉर्थ डायरेक्शन पे उनको कन्फाइंड कर दिया, और जिसमें अक्यूज नंबर 1 जो है वो घर में आए 5-7 अक्यूज पर्सन को लेके, और घर को अनलैस्ट किया, और जिसमें से जो रेजिडेंट थे और जो डिसीज्ड है उनको घर से बाहर ड्रैग कर लिया, और ड्रैग करते समय डिसीज्ड के आर्म्स और लेग्स को लिफ्ट कर दिया, और फिर एक जगह बताई लो एक वहाँ पे लेके जाने लगे, और अक्यूज पर्सन साथ जाते जाते डिसीज्ड की कुछ कपड़े भी थे वो बताए गए हैं वो अपने साथ ले गए, और जिसमें इन्फॉर्मेंट ने शोर मचाया, और अदर मरले के जो लोग थे वो आए, जो उसके प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, 4 और 5 हैं, और तीनों विटनेस ने देखा कि वो एक्यूज पर्सन लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मीन्स उन्होंने रोका नहीं, और फिर इन्फॉर्मेंट ने एक्सप्लेन किया वो किसी ने हिम्मत नहीं की कि एक्यूज पर्सन को रोकें, और क्योंकि उन्होंने पिस्टल रखी थी, और उन्होंने कहा था कि वो डायर कॉन्सिक्वेंसेज उनको बेयर करने पड़ेंगे, और इन्फॉर्मेंट ने एक मोटिव भी बताया क्यों क्या क्राइम किया है, और कहा कि जो डिसीज्ड के जो लेट फादर हैं उनके कोई सन नहीं थे, और जो हाउस था वो उनकी डॉटर ने पोजेशन में लिया हुआ था, और इसलिए उनको अबडक्ट किया था कि ताकि वो पोजेशन घर को ले सकें जो कि उनके फादर को बिलोंग करता था, जो कि डिसीज्ड के फादर को बिलोंग करता था। सेकेंड लिम्ब यह था कि एक लिटिगेशन थी अक्यूज नंबर 1 और 5 की, और जो मेटरनल ग्रैंड फादर हैं और 2 सिस्टर्स जो हैं ऑन द अदर साइड, तो एक लिटिगेशन का माया मैटर था, कि और कहा था कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बिल थी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनको दे दी थी, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया था डिसीज ने पटना हाई कोर्ट में, और उनके जो ग्रैंडफादर और सिस्टर्स ने, और अपील में इंजंक्शन था वो इंजंक्टेड कर दिया था इन अक्यूज पर्सन को कि वो एलिनेट ना करें प्रॉपर्टी को, हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन भी कर दिया था कि जो प्रोबेट ली है विल की उसको भी एग्जीक्यूट करने में रिस्ट्रेन कर दिया था, और कहा कि जो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो अक्यूज पर्सन को ना दीजिए, मीन्स उनको रिस्ट्रेन कर दिया था, इसलिए डिसीज जो है वो घर पर रह रही थी फादर के मीन्स जो अपने फादर के घर में रही थी अपने हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ के साथ, ताकि पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ना ले सकें, और यहाँ बताया कि ट्रायल कोर्ट ने क्विट कर दिया ये 607 को, कहा कि कोई मोटिव नहीं है इनका, ना ही कोई इंटरेस्ट है इनकी प्रॉपर्टी में, और अक्यूज 607 का ना तो नाम रजिस्टर्ड किया गया था FIR जो की गई थी, और टेस्टिमनी में कहीं भी नहीं बताया गया था अक्यूज 607 का कहीं कोई जिक्र, जो स्टेटमेंट नहीं ये भी नहीं बताया गया कि असॉल्ट भी किया है 607 ने, और ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था A1 और A5 को सेक्शन में 302 और 334 के अंदर, मीन्स अबडक्शन और पनिशमेंट फॉर द मर्डर के अंदर, और जो ओरल टेस्टिमनी थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 की जो इन्फॉर्मेंट है, और उन पर रिलाई किया था, मोटिव भी कहा कि एक पेंडिंग लीगल डिस्प्यूट था एक उनके जो फादर का साथ मीन जो प्रॉपर्टी जो डिसीज के फादर को बिलोंग करती थी, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में निकल के आया कोर्ट ने रिप्लाई दिया कि जो टेस्टिमनी है PW7 की जो डिसीज्ड के जो मेटरनल अंकल हैं, PW3 जो फादर इन लॉ है डिसीज्ड के, और PW23 जो है डिसीज्ड की जो सिस्टर हैं और डॉक्टर हैं, जिसकी वजह से गिल्टी साबित कर दिया गया। हाई कोर्ट में भी ये एविडेंसेस थे जजमेंट थी जो यही हाई कोर्ट ने भी जो एविडेंसेस थे उसको अप्रिशिएट किया, पहले एग्जामिन किया क्वेश्चन को कि जो डिसीज्ड है वो मींस रिसाइड कर रही थी जहां से उनको अबडक्ट किया गया था, मीन्स जहां से उनको मींस अबडक्ट किया गया था मींस उसी घर में रह रही थी, और टेस्टिमनी PW7 जो और PW18 जो ब्रदर इन लॉ मींस जो मटर्नल अंकल है डिसीज्ड के और ब्रदर इन लॉ है डिसीज्ड इन्फॉर्मेट के, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, और ये कंक्लूजन ये आए कि डिसीज्ड है वो उसी घर में रह रही थी, और लेकिन जो कोर्ट ने डिस्कार्ड कर दिया जो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो
नाम बताए गए हैं उनके, उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सपोर्ट नहीं किया इस फैक्ट को, तो उन सब विटनेसेस को डिस्कार्ड कर दिया और अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए कोर्ट ने स्टेटमेंट्स थी PW 21 और 23 की स्टेटमेंट्स पर रिलाई किया। उन्होंने कहा कि जो मेकअप आर्टिकल्स थे वो उसके कमरे में थे और कहा कि इससे सजेस्ट ये होता है कि वो वुमेन जो है उसी रूम में रह रही थी जहाँ से उनको अबडक्ट किया। तो हाई कोर्ट ने एक्सक्लूड कर दिया जो PW 5 थे, एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया और कहा कि उनकी जो मौजूदगी है वो डाउटफुल है, और जबकि PW 5 ने डिपोज किया था कि वो उनका वो अपने घर से घर की तरफ जा रहे थे, एक जगह बताइए देहोगढ़ से अपने घर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में लकी ऑन द वे फ्रॉम लकी सराय टू सिमालताला, तो फिर वहां पर बताया कि सिकंदरा चौक में जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और 4 हैं उनके साथ जा रहे थे, वहां पर रोका गया सिकंदरा चौक में और कुछ हल्ला सुनाई दिया और विटनेसेस थे जो कमीशन ऑफ ऑफेंस जहाँ हुआ है। हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को नोट किया कि देहोगढ़ टू सिमालताला जा रहे थे लकीसराय एंड घोक्सा जो है मींस पहले आता है, तो इसलिए कोई रीजन नहीं बनता PW 5 का कि वो सिकंदरा चौक में आए। तो अगर वो जा भी रहे थे अपने घर से मींस घर की तरफ जा भी रहे थे इन घोक्सा में, तो वो लकीसराय से घोक्सा डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते थे। कहीं इंस्पायर्ड जो हाई कोर्ट ने जो एविडेंस था PW 2, 4 और 18 को रिलाई किया और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे जो टेस्टिमोनीज थी PW 23 और PW 13 की, और सुटेबल एक्सप्लेनेशन कहा कि अक्यूज्ड पर्सन का कोई भी सुटेबल एक्सप्लेनेशन नहीं है 313 पे कि, और जो फेटल इंजरीज जो सफर्ड की गई डिसीज ने, तो हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स थी A1 to A5 की उस पर अपहेल्ड कर दिया, लेकिन A6 और 7 की जो फाइंडिंग्स थी उसको रिवर्स कर दिया। और हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दोनों विटनेस थे उस वो एक्सोनरेटिंग टेस्टिमोनी जो PW 5 है उसके बेसिस पे एक्विट किया है, तो लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि PW 5 की हमने टेस्टिमोनी को हाईकोर्ट ने अपील में डिस्कार्ड कर मीन्स एक्सक्लूड कर दिया था। तो हाईकोर्ट ने टेस्टिमोनीज थी PW 2 और PW 4, 18 को कहा कि ये कंसिस्टेंट है, उन्होंने कहा कि ये पार्टिसिपेट किया है A6 और A7 ने और इसलिए उनको कन्विक्ट भी कर दिया 334 और I 302 मीन्स अबडक्शन और जो मर्डर के चार्जेस में कन्विक्ट कर दिया और कहा कि एप्लीकेबिलिटी 34 की भी बनती है क्योंकि A6 और A7 ने पहले कन्फाइंड कर दिया था प्रोसिक्यूशन 18 को कुएं के पास ताकि वो किसी प्रकार की रेजिस्टेंस ना करें अदर अक्यूज्ड पर्संस को रोके ना। सबमिशंस ये दिए कि कोई किसी प्रकार का मोटिव नहीं है, मोटिव जो भी था वो 5 अक्यूज्ड के साथ था जो कि इंटरेस्टेड जो कि पेंडिंग लिटिगेशंस थी। तो यह हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे में अपनी सबमिशंस सुप्रीम कोर्ट में दी कि हाई कोर्ट को रीअप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था एविडेंस को जब तक कोई भी ये ना पाया जाए कि जो व्यू जो लिया है ट्रायल कोर्ट ने उसमें कोई किसी प्रकार की इन्फर्मिटी है, किसी प्रकार की कमी है लीगलनेस। तो इस सबमिशंस को करते हुए देखते हुए तो स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस संजय ठाकरान, चंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक ये जजमेंट्स आई थी उस पर रिलाई किया और साथ में ये सबमिशन दिया कि टेस्टिमनी जो PW 2 और 4 की टेस्टिमनी पर एक तो डाउटफुल है कि एक तो वो 400 यार्ड रह रहे थे, दूर रह रहे थे, तो उन्होंने ह्यू क्राई जब रेस किया गया तो उन्होंने A6 को इतनी दूर से नहीं देखा होगा और क्योंकि कि PW 18 को वो कुएं की तरफ ले गए और ह्यू एंड क्राई मीन्स आवाज़ सुनने के बाद शोर गोली सुनने के बाद समिशन दिया कि FIR में कहीं भी नहीं बताया कि पिस्टल जो है वो A6 को सेंड की गई थी और ये फैक्ट जो है वो एविडेंस के तौर भी लाया गया था। अपीलेंट ने एक और क्वेश्चन बताया कि जो इंसिडेंट था वो मेडिकल एविडेंस के बेसिस बताया कि पोस्टमार्टम जो है मैं जब डिसीज्ड का किया तो उसने कहा हाफ डाइजेस्टेड फूड है वो स्टमच डिसीज्ड के स्टमच में पाया गया और PW 18 ने कहा कि जब इंसिडेंट जो है वो डिनर के इमीडिएटली डिनर के बाद हुआ था और डेथ जो है वो करीब 1 से 2 बजे हुई होगी जो इंटरवेनिंग नाइट को, लेकिन जो पोस्टमार्टम जो कंडक्ट हुआ था 5:30 बजे हुआ 31 तारीख को और जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी वो ये कहती थी कि जो डेथ हुआ है 24 घंटे पहले हुई है, तो इस मीन्स डेथ का जो समय है वो 5 बजे रहा होगा 30/8/1985 को ना कि 10 बजे। तो यहाँ पर सबमिशन ये भी दिया कि प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका कि डिसीज जो है वो
सिमाल तलाक जो घर है वहां रिसाइड करता था, और स्टेट ने कहा कि कोई नॉन एग्जामिनेशन में, जब सिर्फ इंडिपेंडेंस के नॉन एग्जामिनेशन करने से ये नहीं साबित होता कि जो प्रोसिक्यूशन का केस वीक है, तो इसलिए जजमेंट थी राय साहब वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की, इस पर भी रिलाई किया। अब डिस्कशंस की कोर्ट ने, और कहा कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद यहाँ पर पाया कि जो हाई कोर्ट ने एविडेंसेस को लेंथ पे देखने के बाद ये पाया कि गिल्ट है अपीलेंट्स का। अब यहाँ पर पहले चीज को ये एग्जामिन करना है कि जो हाई कोर्ट की जो अप्रोच है वो एक सेटल्ड लॉ जो बना हुआ है, अगर रिवर्सल ऑफ एक्विटल करने के लिए, एक्विटल को कन्विक्शन करने के लिए, क्या वो हाईकोर्ट की अप्रोच ठीक थी। अब दो लिटिगेशन जो थे ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में हो चुके थे, अब ट्रायल कोर्ट ने तो बरी कर दिया था और हाईकोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, और यहां पर फिर बताया कि जो प्रूफ करने के लिए 364 को प्रूफ करने के लिए प्रोसिक्यूशन ने ऑरल टेस्टिमनी को रिलाई किया था, जो कि 4 आई विटनेसेस थे और उनको असेल्ड भी किया कई काउंट्स पे। अपीलेंट ने कहा कि ये विटनेस जो है वो इंटरेस्टेड विटनेसेस और चांस विटनेस है, और कोर्ट ने कहा बेशक ये इंटरेस्टेड विटनेस है, चांस विटनेसेस हैं, लेकिन पहले एग्जामिन करना जरूरी है, क्या ये विटनेसेस को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करना जरूरी है बिना देखे हुए कि रिलेशनशिप ऑफ द डिसीज्ड का क्या रिलेशनशिप है इनके साथ, इसको दर किनारे करते हुए क्या इनकी जो टेस्टिमनी में क्रेडिबिलिटी है। अब पहले कोर्ट ने इसको एविडेंस जो इनके विटनेसेस को एग्जामिन की, मीन्स जो एविडेंसेस दिए थे उसको अप्रिशिएट किया, मीन्स एनालाइज किया कि इन्फॉर्मेंट जो पीडब्ल्यू 18 का ने डिपोज किया था कि वो रिक्शा के पास रह रहे थे और डिसीज जो है वो घर के बाहर, मीन्स जो घर के अंदर रह रही थी। अब उन्होंने पी 18 ने ये देखा कि 3 इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी आए हैं और 7 अक्यूज पर्सन जो हैं वो भी आए हैं, और वो उनको पी 18 को A6 और A7 ने ये एलिगेशन लगाई थी, पी 18 ने ये अपनी टेस्टिमनी में कहा था कि A6 और A7 कुएं के पास लेके वहां पर उनको कन्फाइंड कर दिया, और अननोन रेसिडेंट्स हैं वो घर में आए और जहां डिसीज सो रही थी। तो इस वर्जन को देखा गया है कि जो हाउस था वो बंद था घर के अंदर से, उसे टेनेंट ने ओपन किया, और प्रॉब्लम ये थी इन्फॉर्मेंट का जो वर्जन था वो यहीं से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर वर्जन था कि जो पहला जो आई विटनेस था जो 3 लोगों के नाम बताए हैं, और जिसमें एक बताया कि एक व्यक्ति ब्लाइंड था और उसको भी बेशक उसको एक्सक्लूड किया जाता, लेकिन प्रोसिक्यूशन को 3 नेचुरल विटनेसेस थे जो इंसिडेंट के थे उसको एग्जामिन करना जरूरी था, 3 नाम विटनेसेस के नाम बताए हैं। अब यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसमें कि जो नॉन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया नॉन क्योंकि नॉन एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया ये नेचुरल आई विटनेसेस का, तो इससे जो वर्जन है वो डाउटफुल बन जाता है। और अक्यूज पर्सन ने FIR में ये बताया था कि FIR में ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि कोई भी पिस्टल जो है वो A6 को एट्रीब्यूट की गई हो, लेकिन जो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड की गई थी ट्रायल कोर्ट में तो ये फैक्ट जो था कि जो पिस्टल वाला जो फैक्ट था वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर कोर्ट ने इसे माना कि ये एक प्रकार का इम्प्रूवमेंट है। और फर्दर पीड प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 ने ये भी रिकॉर्ड करवाया था FIR में कि A6 और अदर असिल जो थे लोग थे जिन्होंने असॉल्ट किया था फिस्ट और स्लैब्स के साथ, लेकिन ये जो फैक्ट है जब ट्रायल कोर्ट में जब एग्जामिनेशन चीफ किया गया था उनका तब ये फैक्ट उन्होंने अपनी डिपोजिशन में नहीं बताया था। तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी है तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये एक सीरियसनेस नेचर में है कि जो कोई भी पिस्टल जो है वो अक्यूज से रिकवर नहीं की गई, और जो फैक्ट है ब्रांडिंग ऑफ द पिस्टल था कि वो एक डाउट का जो कोर्ट ने बताया कि एक अंडर द क्लाउड ऑफ डाउट है, जो एंटायर कंडक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 है वो डाउटफुल और अनश्योर हो जाता है, वो किसी प्रकार से वो प्रिवेंट नहीं कर, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार से रोका नहीं अक्यूज पर्सन को कि वो प्रेमिसेस पे जब वो गए थे या फिर जब और जो जब वो डिसीज्ड को अबडक्ट कर रहे थे और या फिर डिसीज्ड को शोल्डर पे लेके जा रहे थे जो उनकी आंखों के सामने में, और जब जो ब्रदर जबकि वो ब्रदर इन लॉ है डिसीज्ड के, तो अदर जो विटनेसेस थे प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, 4 और 5 उन्होंने भी डिपोज किया था, मीन्स गवाही ये दी थी कि वो फेवर प्रोसिक्यूशन के फेवर में गवाही दी थी, तो उन्होंने जिसकी वजह से ये मीन्स निष्कर्ष निकाला गया कि जो साइंस जो सीन ऑफ क्राइम था वो एक साथ हुआ था लेकिन 10 बजे जब फेटफुल नाइट पे जब ये सारे जो आई विटनेसेस अपेयर हुए थे
वो प्रेजेंट थे सिकंदरा चौक में, जब उन्होंने शोर सुना डिसीज्ड के घर से, तो विटनेसेस ने कहा कि वो जीप से आ रहे थे लकी सराय से, और वो अपने मतलब जो घर है गौक्षा विलेज है वहां पर जा रहे थे। तो जहाँ उस गांव में जा रहे थे जहाँ डिसीज्ड ने शादी की थी, और वो नेटिव भी प्लेस, वो भी नेटिव जो विलेज भी है, प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 का जो कि इन्फॉर्मेंट है इसके। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जो है वो जो कि ड्राइवर थे प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 के, और जो उनकी जो टेस्टिमनीज थी तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की, तो वहां से क्लियर निकल के आया कि वो लकी सराय से सिकंदरा चौक जा रहे थे, और जो घोक्सा जो जबकि घोक्सा पहले आता है उसके बाद लोहाना आता है, फिर सिमल ताला जो जगह है वो आती है। तो इस सर्कमस्टांसिस पे कि उनका जो प्रेजेंट होना सिकंदरा चौक पे 10 बजे, तो वो इस कोर्ट को हमेशा मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए था जो, ताकि कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो सके। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो जहाँ वो विलेज में जा रहे थे तो कोई भी ऐसा ओकेजन नहीं आया कि वो सिमल तला जो है वो रास्ते में नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन जो है वो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स में नहीं आया कि क्यों वो मीन्स सिमल तला जो जबकि उनके रास्ते में नहीं पड़ता था। तो इस प्रकार का जो एक्सप्लेनेशन जो है वो जो रिकॉर्ड में नहीं आया गया जो कोर्ट के रिकॉर्ड में। तो ये अब यहाँ पर बताया कि जो लैक्यूना था वो हाई कोर्ट ने नोट भी किया था, जबकि प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 ने जो अपनी डिपोजिशन दी थी, लेकिन कोई रीजन नहीं बनता कि उन्होंने ये भी बताया था कि कोई रीजन नहीं बनता सिकंदरा चौक में जब घटना हुई थी, घटना का जब क्रम हुआ था तो भी सिकंदरा चौक में उनकी प्रेजेंस का कोई वो इंसिडेंट नहीं बनता। तो लेकिन इसके बाद भी इनकी जो टेस्टिमनी थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 की उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो अब यहाँ पर बताया कि कोई भी लॉजिक जो है वो टेस्टिमनी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस की, और ये काफी ज्यादा इम्प्रोबेबल हो जाता है कि वो सिकंदरा चौक पे 10 बजे जब घटना हुई थी वारदात हुई थी तो उस समय वो मौजूद थे। तो पहले यहाँ बताया कि इनकी जो सिकंदरा चौक पे पहुंचना वो जरूरी नहीं था जब वो गांव में जा रहे थे, अपने जो गांव जो उनका था जो जिस गांव में जा रहे थे तो सिकंदरा चौक जाने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी। और अब यहाँ पर कोर्ट ने ये भी बताया कि 3 आई विटनेसेस भी थे, उन्होंने भी अपना वर्जन दिया, लेकिन जो रिजेक्शन हो जो टेस्टिमनी जो वन विटनेस की जब टेस्टिमनी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर एक नेचुरल डाउट भी आ जाता है टेस्टिमनी जो अदर जो 2 विटनेसेस हैं, जब तक कि कोई बेटर एक्सप्लेनेशन ना आ जाए। तो किसी प्रकार का कोई डाउट जो था लेकिन इस हाईकोर्ट ने इस प्रकार का डाउट एंटरटेन नहीं किया, और जो इम्प्यून जजमेंट जो है वो कोई किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताया गया। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो उनकी जो टेस्टिमनीज थी किसी भी 3 आई विटनेसेस ने जो गवाही दी थी, तो उनको किसी जो 3 आई विटनेसेस को सिकंदरा चौक या सिमलतला में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों जाकर वो अपने गांव में जा रहे हो, जो गांव था उनका उस गांव में इनकी जो ये रास्ते में पड़ते नहीं थे सिकंदरा चौक या सिमलतला में। तो यहां पर कोर्ट ने अपना एक काफी डाउट माना, और अब बताया कि जो टेस्टिमनी जो आई विटनेसेस की थी वो कहा कि इम्पीचेबल है, क्योंकि अदर एविडेंसेस जो रिकॉर्ड में लिए गए थे, प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 21 थे जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे केस के, उन्होंने एग्जामिन किया था अदर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को आई विटनेस चश्मदीद गवाह के तौर पे, जो वर्जन जो पुट किया गया था आई विटनेसेस का, तो उससे ये एक सीरियस डाउट निकल के आता है जब एग्जामिन भी किया गया अदर एविडेंसेस को DW3 और DW4 जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज किया था। दोनों ऑफिसर्स को डिफेंस विटनेस के तौर पे एग्जामिन कराया गया अपीलेंट्स की साइड से, लेकिन जो सुपरविजन नोट्स प्रिपेयर किए गए थे DW3 द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, PW2 और PW4 जो है वो इंसिडेंट को जानते थे, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 जो है इन्फॉर्मेंट थे जो थे, जब उनके तरफ भाग रहे थे जब इंसिडेंट हुआ, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जो है वो उस समय होटल में बैठे हुए थे और वो एक और व्यक्ति के साथ बैठे थे टू हैव प्रसाद जो है वो ले रहे थे। तो सिमिलरली जो बताया एविडेंस विटनेस DW4 ने जब अपना एविडेंस दिया, उनका जो इंडिकेट जो गवाही जो थी वो निकल के आई कि जब वारदात हुई थी वो 10 बजे हुई थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 जो है उस समय लकी सराय से अपनी जीप में आ रहे थे,
तब उन्होंने देखा कि 6 से 7 लोग जो हैं वो भाग रहे हैं जीप में और उनको आइडेंटिफाई किया गया अक्यूज्ड पर्सन के तौर पे। जब प्रोसिक्यूशन विटनेस जब सीन पे जब एंटर किए, जब वारदात हो चुकी थी तो लेकिन उन्होंने जो अबडक्शन का जो गवाही है वो उस पर जो अबडक्शन की जो गवाही है वो नहीं दी, क्योंकि उन्होंने गवाही उन्होंने वो जो अबडक्शन का था उन्होंने विटनेस नहीं किया था उसको, और जो टेस्टिमनी जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 थी उसकी वजह से एक डाउट है वो स्ट्रेंथ होता है। तो मीन्स PW4 का इन्होंने बताया कि जब कमीशन हुआ था तो ही डिड नॉट विटनेस द एक्ट ऑफ अबडक्शन, तो उन्होंने अबडक्शन की जो वारदात थी वो देखी नहीं थी। तो यहाँ से ये वर्ड निकल के आया है, लेकिन जो टेस्टिमनी PW2 है वो एक प्रकार का डाउट जो है वो निकल के आया है। जब वो पुलिस स्टेशन पे पहुंचे थे जब इंसिडेंट जो हो गया था PW18 के साथ, ना तो नाइदर हिम और नॉर PW4 जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि उन्होंने इंसिडेंट को डायरेक्टली देखा था। तो इस प्रकार का जो स्टार डिफरेंस था जो वर्जन पुटअप किए गए थे PW21 द्वारा और डिफेंस विटनेस 3 और 4 द्वारा, तो उससे एक सीरियस कंसर्न्स निकल के आए कि जो फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कंडक्ट की गई थी उसके ऊपर काफी सीरियस जो है वो सीरियस कंसर्न्स निकल के आए जो PW20। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी भी ये थी कि आई विटनेसेस को लाया गया था इन ए क्रेट मतलब एक फुल प्रूफ केस बनाया जा सके। तो एविडेंसेस जो थे DW3 के और DW4 जो दोनों सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक्सरसाइज किया मींस अपनी जो सुपरविजन की और इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज किया जो PW21 ने की थी, वो इंडिकेट करता था कि जो सो कॉल्ड आई विटनेसेस थे इंसिडेंट के वो वर एक्चुअली एक्सेसरीज जो फैक्ट्स एंड एक्सेसरीज एंड नॉट द एक्सेसरीज टू द फैक्ट्स। तो लेकिन ये कोर्ट ने कहा कि ये सब जो विटनेसेस थे आई विटनेसेस वो एक प्रकार की एक्सेसरीज थी, जो फैक्ट्स के बाद की जो फैक्ट्स हो गए थे उसके बाद की एक्सेसरीज थी और ये जो है वो एक्सेसरीज टू द फैक्ट नहीं है। और सेकंड ऑब्जेक्शन जो रेज किया गया था आई विटनेसेस के तौर पे, उन्होंने ये बताया कि किसी प्रकार के जो आई विटनेस थे वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं थे। अब कोर्ट ने कहा कि बेशक इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं थे, कोई भी रूल और लॉ ये नहीं कहता कि टेस्टिमनी सिर्फ डिस्कार्ड कर दी जाए सिर्फ इस ग्राउंड पे कि तो वो विक्टिम को जानते हैं या फिर उनकी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ऑफेंस जो है वो देखना जरूरी होता है किन सर्कमस्टांसेस पे किया गया, और जो सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही उस वारदात पे प्रेजेंट थे नेचुरल कोर्स पे, लेकिन इस केस को कोर्ट ने कहा इस कैटेगरी में वो केस नहीं आता है क्योंकि इस प्रेजेंट केस पे जो नेचुरल प्रेजेंस ऑफ आई विटनेसेस थे वो प्रेजेंट जहाँ पर नेचुरल प्रेजेंस ऑफ आई विटनेस प्लेस ऑफ ऑफेंस जब वारदात हुई थी तो उनकी जो मौजूदगी है वो एक प्रकार का डाउट क्रिएट करती है जैसा कि ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। और अनएक्सप्लेनेबल रीजंस देखते हुए नेचुरली जो पब्लिक पर्सन को जो थे उनको एग्जामिन नहीं किया गया विटनेसेस में मैटर के तौर पे। तो अब यहाँ पे बताया कि जो नॉन एग्जामिन जो नेचुरल विटनेसेस थे जिन लोगों के नाम बताए गए हैं 1, 2, 3 और 4, तो 4 लोगों के नाम बताए और कई नेबर्स भी थे जिन्होंने एडमिट किया कि वो घर से बाहर आए थे जब वारदात हुई थी, और कपल्ड विद द फैक्ट कि जो प्रोजेक्टेड आई विटनेसेस थे वो मींस फेल हो गए एक्सप्लेन करने ये एक्सप्लेन नहीं करने में नाकामयाब हो गए कि वो मौके वारदात पे मौजूद थे। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि इसी वजह से जो एंटायर वर्जन है प्रोसिक्यूशन का वो इम्प्रोबेबल है और अनरिलायबल है। तो यहाँ पर आई विटनेसेस जो है वो बताया कि वो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपेरेंटली अप्रोच्ड बाय PW18 द्वारा अप्रोच किए गए थे जिन्होंने इन्फॉर्म किया था इंसिडेंट के बारे में। लेटर जो उनका जो वर्जन था वो फैब्रिकेट किया गया ताकि जो केस है वो क्रेडिबल बनाया जा सके। अब यहाँ पे बताया है कि जो वर्जन पुटअप किया गया था आई विटनेसेस द्वारा वो इस प्रकार का डाउट है वो निकल के आता है, और ये रूल ऑफ प्रूडेंस डिमांड करती है कि जो इंडिपेंडेंट जो पब्लिक विटनेसेस को पहले एग्जामिन करना चाहिए और कॉर्बोरेट करना चाहिए जो मटेरियल जो लिया गया है जो गैदर किया गया है उसके साथ कॉर्बोरेट करना चाहिए। और जो पब्लिक विटनेसेस जब अवेलेबल हैं और ऑफेंस जो है चूंकि ये क्लोज्ड वॉल्स के अंदर नहीं हुआ था बाहर हुआ था तो यहाँ पर पब्लिक विटनेसेस अवेलेबल थे, तो कंडक्ट ऑफ आई विटनेसेस से ये निकल के आया है कि ये अननेचुरल कंसिडर किया था जबकि वो एक रिलेटिव थे डिसीज्ड के।
PW18 ने पहली चीज बताई कि उन्होंने अबडक्शन को रोकने की कोशिश नहीं की। अब ये भी विश्वास कर लिया जाए कि उनके ऊपर पिस्तौल थी वो तानी गई थी, लेकिन जो स्टेटमेंट बताई गई है कि पिस्टल की वो इम्प्रूवमेंट के तौर पे आई गई है। और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब पुलिस को दी गई थी, जैसा कि ऊपर पहले बताया जा चुका है, इम्प्रूवमेंट के तौर पे आई थी ये। और ये भी एडमिट किया गया PW2 और PW4 और PW5 थे वो जीप में आए थे, उन्होंने अक्यूज्ड पर्सन को देखा था कि उन्होंने डिसीज्ड को छोड़ के जब अबडक्ट करके छोड़ रहे थे, तो ये भी एडमिट किया कि उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था अक्यूज्ड पर्सन को जो कि रिलेटिव्स थे आई विटनेसेस के। इन सर्कमस्टांसिस को देखे कि नेचुरल ह्यूमन कंडक्ट ये कहता है कि एट द लीस्ट कम से कम वो ये कर सकते थे कि वो अक्यूज्ड पर्सन को पीछे जाते जो जीप में मीन्स अक्यूज पर्सन के पीछे फॉलो अप करते, लेकिन उन्होंने ये एडमिट किया कि एक व्हीकल जो था एक रेडी व्हीकल भी उनके पास था, जैसा उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें रेडी व्हीकल था, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा कोशिश नहीं की गई कि जो डेड बॉडी थी डिसीज्ड की वो डिस्कवर नहीं की गई मीन्स सुबह तक, क्योंकि कोई भी आई विटनेसेस थे उन्होंने कोई प्रकार का क्लू नहीं दिया कि किधर अक्यूज पर्सन डिसीज्ड को लेके गए थे अबडक्शन करने के बाद। तो द क्रूशियल फाउंडेशन ये था कि डिसीज्ड जो है वो अपने फादर के साथ जो सिमल ताला जगह पे रह रही थी, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डाउट भी नहीं किया इस फैक्ट को, लेकिन हमारी जो रिजर्वेशन जो है वो सेम है। अब स्टेटमेंट जो ली गई है PW18 की जो इन्फॉर्मेंट है, PW23 जो कि सिस्टर है डिसीज्ड की, PW7 जो मैटरनल अंकल है डिसीज्ड के, कोई भी विटनेस नहीं सामने नहीं आया कि प्रूव कर सके फैक्टम ऑफ रेजिडेंस की वो एक्चुअली में कहाँ रहती, नहीं कोई भी अदर एविडेंस विटनेस नहीं आए। अब जो एडमिटेड एविडेंस जो रिकॉर्ड में है वो सफिशिएंटली इंडिकेट करता है कि कई अदर टेनेंट्स भी सेम हाउस में रह रहे थे, जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक एजुकेशन ऑफिसर मीन्स एक एजुकेशन ऑफिसर भी थे और वो अपनी डॉटर के साथ और डॉटर और सर के साथ रह रहे थे। प्रोसिक्यूशन विटनेस 21 ने ये इंस्पेक्ट किया हाउस को, कोई भी डायरेक्ट मटीरियल एविडेंस नहीं मिला, सिर्फ मेकअप आर्टिकल्स थे वो जो गैदर किए गए, उसकी वजह से इंडिकेट किया गया कि जो डिसीज्ड है वो एक्चुअली वहाँ रह रही थी। और ये भी एडमिट किया गया कि एक और दूसरी महिला का नाम बताया गया जो कि सिस्टर थी, वो भी मीन्स एक व्यक्ति के जो सिस्टर नाम बताया गया उनकी जो सिस्टर थी वो भी सेम पोर्शन ऑफ हाउस में रह रही थी। हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को नोट किया लेकिन एक्सप्लेन किया कि जो दूसरी वोमेन जो है वो एक विडो है, उन्होंने मेकअप आर्टिकल्स उनको जो मेकअप आर्टिकल्स कलेक्ट किए थे वो उनके नहीं हो सकते, तो इसलिए कोई भी मीन्स नो नीड फॉर हर टू पुट अप बीइंग अ विडो। तो इन आवर ओपिनियन ये ऑब्जर्वेशन की जो हाई कोर्ट थी वो नॉट ओनली लीगली टेनेबल नहीं है बल्कि ऑब्जेक्शनेबल भी है। यहाँ पर कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात पे एक ऑब्जेक्शन भी लगाया क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस एक दूसरी महिला जो साथ रह रही थी दूसरी महिला का जो नाम बताया गया है उन्होंने कहा कि वो विडो है, इसलिए वो जो मेकअप आर्टिकल्स हैं वो उनके नहीं हो सकते बल्कि डिसीज्ड के हो सकते हैं। तो ऐसे में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो एक तो जो ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्ड की गई है वो टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, टेनेबल नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्शनेबल भी है। तो यहाँ पर स्वीपिंग ऑब्जर्वेशन जो थी वो इस प्रकार की जो स्वीपिंग ऑब्जर्वेशन थी वो कॉमेंसुरेट नहीं करती जो सेंसिटिविटी और न्यूट्रलिटी जो है जो एक्सपेक्ट की जाती है कोर्ट ऑफ लॉ से, स्पेशली जब जबकि वो किसी प्रकार का कोई एविडेंस भी नहीं था रिकॉर्ड पे। तो ऐसे में कोर्ट ने अपनी खेद प्रकट किया हाईकोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर बताया कि सर्टेन कोर्ट ने कहा कि सर्टेन मेकअप आर्टिकल्स जो है वो एक प्रकार का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बना देते कि वो डिसीज जो है उसी घर में रह रही थी, जबकि एक अनदर वोमैन जो है वो भी एडमिटेडली वहीं उसी जगह पर रह रही थी, लेकिन जो डिसीज थी वो इंडीड रिसाइडिंग देयर, लेकिन अदर बिलोंगिंग्स थे जैसे क्लोथ्स जो थे वो भी पाए जाने चाहिए थे हाउस में, लेकिन इफ नॉट सो जो अदर रेजिडेंट्स थे सेम हाउस के वो उनको भी आना चाहिए था, वो डिपोज भी उनके सपोर्ट पे जो इस फैक्ट के वो सपोर्ट करने के लिए अपनी गवाही देनी चाहिए थी सर्टेन। अब यहाँ पर एक और कोर्ट ने बताया कि कुछ जो कपड़े जो बताए थे डिसीज्ड के जैसे टू साड़ीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो रिकवर किए गए थे डिसीज्ड बॉडी के साथ
तो प्रोसिक्यूशन का वर्जन ये था कि अक्यूज्ड पर्सन ने उनके क्लोथ्स उनके घर से डिसीज्ड के लिए साथ ले गए थे जब उनका अबडक्ट कर रहे थे। इस प्रकार किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि जो जो साबित करता हो इस प्रकार का जो कंडक्ट था कि उस पर्सन का, कोई भी ऐसा एब्सोल्युटली एक्सप्लेनेशन जो था वो सामने नहीं आया। और ये इसलिए कोर्ट ने कहा ये काफी ज्यादा मीन्स अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी होती है कि क्यों अक्यूज जो है वो क्लोथ्स को लेके गए थे जब वो अक्यूज डिसीज्ड को अबडक्ट कर रहे थे, तो क्यों उनके क्लोथ्स को लेके गए। तो ये फैक्ट जो है वो सर्व करता है कि जो प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना चाह रहा था कि डिसीज जो है वो एक्चुअली सिमलतला के घर में, सिमलतला जगह है उसी घर में रह रही थी, तो क्लोथ्स जो है वो प्लांट किए गए थे वो डेड बॉडी के साथ, ताकि एक्चुअल फैक्टर ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिसीज जो है कि वो सिमलतला में अपने फादर के घर में रह रही थी। तो ये मटीरियल ऑन रिकॉर्ड में ये कंक्लूड करके आया है कि कोई भी मटीरियल जो था पाया नहीं गया, मीन्स जो उनके फादर के साथ था, कि जो कि इंडिकेट करता हो कि डिसीज जो है वो वहां रह रही थी। तो मेकअप आर्टिकल्स को डिसीज्ड के साथ लिंक कर देना, ये कोर्ट ने कहा एक अनएक्सेप्टेबल है, और कोई कॉर्बोरेटिव मटेरियल भी सामने नहीं आया। तो प्रोसिक्यूशन ने एक वन कोहैबिटेंट भी जो रह रहा था वो भी उसको भी एग्जामिन नहीं कराया, और नो कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी डिसीज्ड की, जैसे क्लोथ्स फुटवेयर यूटेंसिल्स, वो भी पूरे घर में नहीं पाए गए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि जो डिसीज जो है वो सिमलतला में जो घर है वहां पर रह रही थी। तो इन द सेम ब्रेथ यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इवन प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 ने ये बताया कि कोई भी मटेरियल जो है वो घर पे नहीं पाया गया, जो कि इंडिकेट करता हो कि वो वहां रह रहे थे। और इनकी जो खुद की जो स्टेटमेंट थी, कोई भी विटनेस जो है वो सामने नहीं आया, वो इन्फॉर्म जो जिन्होंने गवाही दी हो कि इन्फॉर्मेंट जो है वो उसी घर के जो रेजिडेंट है। प्रोसिक्यूशन ने किसी प्रकार का रूम नहीं छोड़ा कि इंटायर हाउस जहाँ प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है वो रिसाइड करते थे, और जहाँ और उनकी जो मौजूदगी थी जब प्लेस ऑफ अकुरेंस जब हुआ था, वो एक प्रकार का डाउटफुल बनता है। यहाँ पे अपीलेंट्स ने एक और ऑब्जेक्शन रेज किया था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता था कि जो कि इंडिकेट करती है कि जो मौत की जो पुष्टि है वो 24 घंटे पहले हुई थी, जब डेथ जो है वो 5 बजे हुई होगी 30 अगस्त 1985 को, जो कि एक टोटली कॉन्ट्रेरी बनती है एविडेंस के जो के साथ, जो प्रोसिक्यूशन का विटनेस 18 का जो एविडेंस है उसके साथ कॉन्ट्रेरी होती है। जो इंटायर इंसिडेंट जो है वो 10 बजे जो गवाही दी गई है उसमें बताया कि 10 बजे शाम रात को हुआ था 30 अगस्त 1985 का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी ने भी ये नहीं कंसिडर किया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ फैक्ट्स के तौर पर नहीं कंसिडर किया जा सकता। रिपोर्ट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ एक्सेट्रा, तो यहाँ पर हमेशा कॉर्बोरेट करनी चाहिए डायरेक्ट जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पे हो, जैसे चश्मदीद गवाह हो, आई विटनेस ऑक्युलर एविडेंस ऑफ आई विटनेसेस हो। तो यहाँ पर कोई भी क्रेडिबल विटनेस ऑन रिकॉर्ड में नहीं आया जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर सके रिपोर्ट को। फैक्ट्स जो है बताए गए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वो अगर उसे ट्रू में लिए जाते हैं, तो प्रेजेंट मैटर में एविडेंस ऑफ आई विटनेसेस ने ये बताया कि वो जो आई विटनेसेस का जो एविडेंस था वो होली अनरिलायबल बनता है। एक रिलायबल होता है, एक अनरिलायबल होता है, एक पार्शियली रिलायबल होता है, एक होली अनरिलायबल। तो कोर्ट ने यहाँ पर होली अनरिलायबल माना जब वो टाइम ऑफ डेथ हुई थी टाइम। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देर इज नो रीजन टू डाउट कि जो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट और जो फाइंडिंग्स थी वो निकल के आई थी, इस स्टेज पे ये निकल के आया है कि जो अप्रोच थी हाई कोर्ट की जिन्होंने एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया था A6 और A7 का, वो कि वो जो सेटल लॉ के साथ नहीं बनता है। जब भी एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स किया जाता है, ट्रायल कोर्ट ने जब एक्विट कर दिया था दोनों अक्यूज को जो एविडेंस के तौर पे, जब उसका जब हाई कोर्ट ने री अप्रिशिएट किया एविडेंस को, मींस तब ये पाया कि जो एक्विटल जो था वो इम्प्रोबेबल स्टेटमेंट ऑफ PW5, और इसलिए एविडेंस ऑफ PW5 को एक्सक्लूड कर दिया गया था रिकॉर्ड से। कोई रीजन नहीं बनना कि जो एक्विटल ऑफ A6 और A7 का कोई भी रीजन नहीं बचता है इसमें कि, और यहाँ पर हाई कोर्ट को अराइव इस फाइंडिंग पे अराइव नहीं करना चाहिए था कि इलीगलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी को और इस काउंट पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं निकल के आया कि फाइंडिंग निकल के आया कि जो एनवायरमेंट क्या थी दोनों अक्यूज्ड पर्संस की, और कॉमन इंटेंशन के साथ जो रिमेनिंग अक्यूज्ड पर्संस थे उनके साथ उनकी कॉमन इंटेंशन क्या थी। तो इस एविडेंस PW5 को एक्सक्लूड करने से कोर्ट ने एक्सक्लूड कर दिया था ताकि
कन्विक्शन हो जाए, तो बिना कोई भी रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किस तरीके से PW2 PW4 जो है वो ना रिलायबल नहीं है इसकी वजह से, इन सेम मैनर पे वो भी वाज करेक्ट है, उनकी जो गवाही है वो करेक्ट है। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि PW5 को तो आपने एक्सक्लूड कर दिया कि वो रिलायबल नहीं है, तो PW2 और P4 को क्यों नहीं ऐसे एक्सक्लूड किया, कि इनकी क्यों नहीं कहा कि इनकी जो जो स्टेटमेंट है वो जो उसको भी एक्सक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहना चाहते कि हाई कोर्ट जो है वो एविडेंस को अप्रिशिएट ना करें, हम ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। जब भी वो अपीलेट जुडिस पावर के तौर पे वो हमेशा हाई कोर्ट के पास पावर रहेगी, लेकिन यहाँ पे कहा नो डाउट हाई कोर्ट एज वेल एज द पावर टू डू सो, लेकिन जब फाइंडिंग ऑफ एक्विटल को जब आप रिवर्स कर रहे हो तो इस ऐसे में कोर्ट ने कहा एक हाई थ्रेशोल्ड की आवश्यकता होती है, जो प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो अक्यूज्ड के तौर पे होता है जब ट्रायल्स जब खत्म हो जाता है तो अगर उनको बरी कर दिया तो यहाँ पे क्या है कॉन्क्रीटाइज मीन्स और जो प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है जो ट्रायल कोर्ट ने जब आपको मीन्स अक्यूज पर्सन को बरी कर दिया था। तो ऐसे में जो फाइंडिंग है उसको रिवर्स नहीं कर देना चाहिए इस ग्राउंड पे कि एक अल्टरनेटिव व्यू भी है वो लिया जा सकता है। अब यहाँ पे कहा है कि जो व्यू ट्रायल कोर्ट ने ले लिया है उसे मस्ट बी हेल्ड टू बी कम्प्लीटली भी अनसस्टेनेबल और उसमें कोई प्रॉबेबल व्यू नहीं था। हाई कोर्ट ने एंट्री जजमेंट में एक कर्सरी व्यू लिया गया था और एक्विटल ऑफ जो था A6 और A7 का उसको सेट असाइड कर दिया था, मीन्स रिवर्स कर दिया था बिना किसी अराइव किए फाइंडिंग अलीगलिटी क्या है इसमें, परवर्सिटी क्या है या फिर इम्पॉसिबिलिटी क्या है ट्रायल कोर्ट के व्यू में, ऐसा कुछ भी मैंशन नहीं किया था। और यहाँ पर एक एक्सपोजिशन ऑफ लॉ था संजीव वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, तो कोर्ट ने समराइज किया था इस पोजिशन को और कहा था कि उसका ये बताया एक जजमेंट थी विजय मोहन की वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका की। तो यहाँ पे जो ग्राउंड्स थे मीन्स जो उन्होंने अपनी गाइड मीन्स एक ऑब्जर्वेशन दी थी जो कि एक मेंटेनेबिलिटी बनती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, कि कोर्ट ने ये कहा कि दो व्यूज पॉसिबल होते हैं एविडेंस और रिकॉर्ड में, तो अपीलेट कोर्ट जो है हमेशा स्लो रहेगी इंटरफेयर किए बिना, इंटरफेयर करते समय जब भी अपील अगेंस्ट एक्विटल फाइल की जाएगी। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर वर्जन दिया था। तो यहाँ पर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन को देखते हुए फुलिंग ग्रेइंग डॉग्स को देखते हुए और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये ब्रीफली नोट एंड रिटायरेट करते हैं कि जो ऑफेंस ऑफ मर्डर था वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि जो डेथ ऑफ डिसीज थी वो अननेचुरल थी और ऐसे में कमीशन ऑफ मर्डर कैन नॉट बी रूल्ड आउट इस, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड में नहीं है जो प्रूव कर सके कि कमीशन ऑफ मर्डर जो है वो अक्यूज पर्सन ने किए हों, अक्यूज पर्सन ने किया तो लिंक था कि कॉजेशन बिटवीन अक्यूज पर्सन और अलेज्ड ऑफेंस जो है वो ऐसे में साफ साफ मिस हो रहा है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो निकल के आए थे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस और जो सराउंडिंग्स थी ऑफेंस ऑफ अबडक्शन की, तो ऐसे में जो टेस्टिमनीज थी आई विटनेसेस की वो फेल हो गई कि टेस्ट ऑफ प्रूफ को करने के लिए, और ऐसे में कहा कि इसको नहीं प्रूव किया जा सकता है इन द आईज ऑफ लॉ और देयरफॉर जो फाउंडेशन थी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की कोई भी इंफ्रेंस निकल के नहीं आया है कि वो कि जो कमीशन ऑफ ऑफेंस था 302 का वहाँ वो किया गया हो बाय अक्यूज पर्सन ने किया हो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा एक ट्रायल मीन्स एक लॉ बना हुआ है कि जो केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस में बनाया जाता है वो चेन ऑफ एविडेंस जो है वो हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए और ऐसे में कोई भी ग्राउंड मीन्स कंक्लूजन ऑफ गिल्ट जो है वो निकलनी नहीं चाहिए। इन द प्रेजेंट केस में भी प्रोसिक्यूशन जो केस जो था वो काफ़ी दूर था स्टैंडर्ड से मीट करने के लिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अब ये जो मोटिव जो है जो एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड जो है में लिया गया था उससे साफ निकल के आया है कि इंग्रेडिएंट्स तो ऑफेंस थे वो अंडर कंसिडरेशन में है बिना प्रूफ किए फाउंडेशन फैक्ट्स को प्रूफ लिए बिना, और केस ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वैसे में सक्सीड नहीं हो सकता सिर्फ जो मोटिव के आधार पे। तो ये जो मोटिव जो इस प्रेजेंट मैटर में था कि वो कुड ऑपरेट बोथ दोनों तरीके से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, अक्यूज पर्सन और आई विटनेसेस हैं वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं और प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट से निकल के आई है वो भी एक एविडेंट है हाइपोथेटिकल सेंस में, दोनों साइड्स थे वो जो कि बेनिफिट था जो कि इम्प्लीकेट करने के लिए बेनिफिट किए जा सकते हैं इस सर्कमस्टांसिस पे जो आर्टिकल्स को जो 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 मोटिव पे प्लेस कर देना
गुड, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक सिर्फ आधार पे मोटिव के बेस में कर देना, और ये कोर्ट ने कहा एक डबल एज सॉर्ड बनती है। अब इसमें हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। जो अबव एनालिसिस था वो इंडिकेट करता है कि जो प्रोसिक्यूशन था वो फेल हो गया, अपना जो लीस्ट जो बर्डन ऑफ प्रूफ करने के लिए वो फेल हो गया, और मीन्स बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर सका। तो जो रीजनेबल डाउट्स थे, जो जैसा ऊपर बताया गया, वो कोर्ट ने कहा कि इनकॉन्सीलेबल है, और जो कि जो प्रोसिक्यूशन केस को नहीं बनाते हैं और अपीलेंस है, इसमें उनको डिस्चार्ज मीन्स अक्यूट किया जाता है सारे चार्जेस से। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं जो कन्विक्शन जो अराइव की गई थी ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया था, वो उसने कोर्ट ने कहा कि वो सस्टेनेबल नहीं है। हाई कोर्ट ने एरर कर दी थी जब ऑर्डर ऑफ एक्विटल को जब रिवर्स करते समय ये एरर कर दी थी A6 और A7 ने। तो जो इम्पन जजमेंट थी वो जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी उसको टू द एक्सटेंड ऑफ कन्विक्शन जो थी A1 to A5 जो इम्प्यून जजमेंट और जजमेंट जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी वो कन्विक्शन की गई थी A1 to A5 उसको सेटिसाइड किया जाता है। सारे 7 अक्यूज्ड पर्सन थे उनको एक्विट किया जाता है जो सारे चार्जेस जिनके ऊपर लगाए हुए थे, और अपीलेंट को भी जो है रिलीज किया जाता है अगर उनको कस्टडी में लिया गया है, और जो कैप्शन जो अपील थी वो डिस्पोज की जाती है इन जजमेंट पे, इंटरिम एप्लीकेशन थी उसे डिस्पोज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी, 7 अक्यूज्ड पर्सन थे और अक्यूज्ड पर्सन में से 5 लोगों को कन्विक्ट कर दिया और 2 लोगों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट में 5 अक्यूज्ड पर्सन जिनको सजा सुना दी थी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उनकी जो सजा थी वो बरकरार रखी, और बाकी जो 2 अक्यूज थे जिनको छोड़ दिया गया था उसको उनकी जो एक्विटल था उसको रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताया है कि जो इम्प्यून जजमेंट थी और जो ट्रायल कोर्ट ने दी जिन्होंने कन्विक्शन कर दिया था एक्यूज्ड A1 to A5 को, उसको सातों अक्यूज्ड जो थे उनको मींस उस जजमेंट को ही सेटिसाइड कर दिया है, और 7 अक्यूज्ड पर्सन थे जो अपीलेंट्स हैं यहाँ पे उनको एक्विट कर दिया है और जो चार्जेस लगे हुए थे। तो यहाँ पर अपीलेंट्स को रिलीज कर दिया जाता है अगर वो किसी कस्टडी में लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ जो जजमेंट में कई क्रिमिनल अपील्स थी वो कंबाइंड हुई थी, आप खुद देखिए, एक पहली क्रिमिनल अपील और 2, 3 और 4 क्रिमिनल अपील्स थी, जो कि पहली क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की गई थी वो 2015 में की गई थी, और जिसमें कन्विक्ट किया गया था। बाकी जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो 3 अलग से क्रिमिनल अपील्स थी वो फाइल की गई थी 2017 में। तो ये जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।